बिना लेना। हमारे बीच एक हस्ती मौजूद हैं जो कि ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के गांधी शांति दूत सम्मान 2021 का हकदार हैं और सम्मान पाके हमारे बीच आए हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग और 100 लोग भी हैं, सम्मान दे रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या हुआ? सैयद राशिद इकबाल। आपको किस सम्मान से नवाजा गया? हम लोग 4 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं और हमारी सभी टीम कर रही है, तो सभी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे मेंबर हैं। ये नामुमकिन था हमारे लिए, लेकिन लोग सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए करके मुझे राष्ट्रीय अवार्ड से कल नवाजा गया। पटना में मुझे बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। जब पहुँचे वहाँ तो मुझे मालूम चला कि नेशनल अवार्ड के द्वारा मुझे सम्मान दिया गया है गांधी शांति के नाम से। आप मूलतः रहने वाले कहाँ? पंचवीर के। पंचवीर के, और हमारे बीच में पंचवीर के मुखिया जी भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनको जो इस तरह का सम्मान मिला, इससे आपको कैसा महसूस? हमको बहुत खुशी है कि पचबीर पंचायत के बेगूसराय जिला सायपुर कमाल प्रखंड के सबसे कम उम्र वाले बच्चे नेशनल अवार्ड इनको मिला है। मैं बहुत खुश है, इस क्षेत्र की जनता बहुत खुश है कि ऐसा लड़का कम उम्र में इतना इन्होंने हासिल किया है। आप में से भी इनके सम्मान में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं मोहम्मद वकूल अहमद सरपंचपति, मैं इनका सम्मान करता हूँ। ये बहुत मेहनत लड़का है, मैं अपने मेहनत पर अपने मरीज पर यहाँ तक पहुँचा है और मैं इसके आने वाले फ्यूचर के लिए दुआ करता हूँ ये अच्छे से अच्छा काम करें और हमारे गांव का, हमारे जिले का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आप ही कुछ बोलना चाहेंगे इनके सम्मान में? वार्ड मेम्बर मोहम्मद अबू सारे मेरा नाम हुआ। मैं इनका इंतजार बहुत देर से कर रहा था, इसलिए कि इतने कम उम्र में इतनी लंबी और इतना ऊंचा और इतना अहमियत वाला इनको अवार्ड मिला है जो बहुत कम लोगों को मिलता है और इस उम्र में नामुमकिन है। इस उम्र में इतना बड़ा सम्मान, मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मेरा पचबीर पंचायत खुश नसीब है और उनके कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, सभी का मैं सम्मान करता हूँ और इनके घर वालों का सम्मान करता हूँ। इनको आज़ादी दी गई और ये कामयाबी हासिल। आपका जो ये सम्मान हुआ यहाँ उपस्थित जनता को, आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आज उन्होंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये इन लोग के सपोर्ट से ही मुझे आज नेशनल अवार्ड मिला है, पहले ही कहा, और इन लोग का पूरा योगदान हम पे है। हमारे कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से ही मुझे सफलता मिला है। चलिए, इस तरह का सम्मान आपको मिला मोरिया न्यूज़ 18 की ओर से, परिवार की ओर से आपको धन्यवाद, आपको बधाई हो। और कोई इनके सम्मान में बोलना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बोलिए। मैं कारी हफ्जुर रहमान इस्वानी, मोहतरम दारुल उलूम उस्मानिया पंचवीर, हम सारे लोग इनके इस्तकबाल में आए हुए हैं और सारे लोगों को बड़ी खुशी है कि एक छोटी सी उम्र में इतने बड़े अवार्ड से इन्होंने सरफराज हुआ और इनको जो बुलाया गया था पटना के अंदर और ये अवार्ड हासिल करके आए हैं। हम तमाम जनता और हमारे पंचवीर पंचायत के मुखिया और सरपंच और तमाम जनता लोग इनके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं, इसके लिए हम सारे लोग इनको मुबारकबादी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइए आइए, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बड़े उम्र में ये हमारे पंचायत के सम्मानित आदमी हुए हैं, इसलिए हम धन्यवाद। और कोई बोलना चाह रहे हैं इनके सम्मान में? और कोई बोलना चाह रहे हैं? आइए आइए, आपका नाम क्या?
का नाम इनाम उल्हक है। मदरसा उस्मानिया के नाम से बैठे हैं और हम अपने तमाम पंचायत के लोगों के तहे दिल से इनको दुआ देते हैं तो ये और ज़्यादा है इस मामले में तरक्की करें और इन क्षेत्र के मकान इसलिए हम इनको दुआ देते हैं। चलिए आप देख रहे हैं मोदी न्यूज 18 जिला अंतर्गत आप बने रहे मोदी 18 के साथ। आगे